Jayanti. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यहाँ पति और ससुर द्वारा महिला को जहर देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति महिला के करेक्टर पर शक करता था, उसे कई बार घर से निकालने की कोशिश भी कर चुका था। फिलहाल महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला ललितपुर के बार थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली जयंती 25 ने बताया, मेरी शादी करीब 5 साल पहले धनीराम अहिरवार से हुई थी। शादी के 6 से 7 महीने तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद पति मेरे कैरेक्टर पर शक करने लगा। पति और सास लगातार मुझे ताने मारती थीं। उनकी वजह से कुछ साल मैं मायके में रही। इसके बाद पति मुझे समझाकर वापस ससुराल ले आया, लेकिन यहाँ दोबारा से मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। बीते 1 हफ्ते में मेरी सास ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, बात बात पर परेशान करती थी। पिछले 3 दिन से मुझे खाना पानी नहीं दिया गया। जब मैं रोने लगती और बेहोशी की हालत में हो जाती तो थोड़ा पानी पिला दिया जाता था। गुरुवार को ससुर सल्फास की गोली लेकर आए और पति से बोले इसे खिला दो। ससुर के कहने पर पति ने जबरदस्ती मुझे गोली खिला दी। वहीं पीड़िता के पति धनीराम का कहना है, पत्नी सब झूठ बोल रही है, उसने खुद जहर खाया था, मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। थाना प्रभारी राम सहाय यादव ने बताया, अभी किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। मीडिया के माध्यम से मामला सामने आया है, इसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।